नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, अपने घर पर होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग स्फुट पद्यानी पढ़ रहे थे और स्फुट पद्यानी का दो श्लोक पूरा कर चुके थे और ये भी बता चुके थे हम आपको कि संदर्भ और अर्थ को लिखते कैसे हैं ताकि अच्छे से अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकिए। ठीक है, अब हम लोग आगे के श्लोक पढ़ते हैं। ये देखिए, आपका थर्ड श्लोक है। स्फुट पद्यानी में आपके कोर्स में मात्र 5 श्लोक ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको पूरा करते हैं और समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात काम प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। देखिए बच्चों, ये जो है लोभात, लोभात, अब ये देख रहे हैं ना, एक ट्रिक और, अंत में जब भी उसके त आता है, ठीक है, हमेशा हम नहीं बता रहे हैं, ये ट्रिक कभी कभी इस्तेमाल होती है, जब भी त आता है तो आप उसमें समझ जाइए कि उसमें कौन सी विभक्ति होगी। मैक्सिमम पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? पंचमी विभक्ति। और उस विभक्ति में जब पंचमी विभक्ति होगी आपकी, तो कौन सा कारक हो गया पंचमी विभक्ति में? कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। और का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, से अलग होने के अर्थ में। तो ये लोभात में आपकी कौन सी विभक्ति है? पंचमी, पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है और चिन्ह इसका से, लोभ से। ठीक, लोभ से क्रोध प्रभवती, क्रोध उत्पन्न होता है, प्रभवती मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है, लोभात काम प्रजायते और लोभ से काम, काम पैदा होता है, काम की भावना पैदा होती है। ठीक है, ये काम नहीं, कार्य वाला जो काम हम करते हैं, काम की भावना भी जो है गलत सेंस में होती है आपके, जिससे कि हमारी विलास उसके अंदर आप आ जाएगा, विलासिता का जीवन जीना। ठीक है, हाँ, उससे सेंस निकलता है ये काम भावना। ठीक, और काम भावना कहते हैं ना, यानी कि काम भावना मतलब गलत विचार लाना मन में और विलासितापूर्ण जीवन जीना, उसको हम बोलते हैं काम। तो लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ से ही काम की भावना पैदा होती है। ठीक, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभात, लोभ से मोह और नाश होता है, मोह यानी कि मोह भी पैदा होती है और उससे नाश होता है लोभ से। लोभ पापस्य कारणम्, लोभ पाप का कारण है। पापस्य देखिए, अब हम यदि आपसे पूछें बच्चों कि पापस्य में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो मैं तो कई बार आपको बता भी चुकी हूँ। ठीक, मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल करिएगा कि देखिए अंत में क्या आया है, अस्य, तो अस्य से कौन सी विभक्ति हो गई? हाँ, षष्ठी विभक्ति। एक मिनट, अस से कौन सी विभक्ति हो गई आपकी? षष्ठी विभक्ति हो गई। और कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक हो गया। और चिन्ह कौन सा हो गया? का, की, के वाला चिन्ह हो गया। तो लोभ, लोभ पाप का कारण होता है। ठीक है, अभी देखिए, अब आपके यदि उसमें आ गया एग्ज़ाम में तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, लोभात कारणम, अब हम जब ऐसे आ जाएगी पंक्ति, तो वो पूरी पंक्ति थोड़ी लिखने वाले हैं, पूरी श्लोक थोड़ी लिखेंगे, उस पंक्ति का पहला अक्षर, पहला शब्द और फिर लास्ट वाला शब्द, फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है? प्रस्तुति। ये देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें बहुत हो गए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुति नहीं है, क्या है? प्रस्तुत। क्या है बच्चों? प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत विषय की स्फुट पद्यानी
नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। मात्र इतना ही आपको लिखना है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद आप अर्थ पे आ जाइए कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, सही बात है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात क्रोधः प्रवृत्ति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से काम भावना पैदा होती है। अब लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ से ही मोह और नाश की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार लोभ सभी पापों का कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केषाम नते वन्दाः। अब ये देखिए, वदनम प्रसाद सदनम। वदनम, वदनम मतलब क्या होता है बताइए, बताइए। वदनम मतलब होता है आपकी मुख या बोली, ठीक है। यहाँ आप वदनम का मतलब क्या हो गया आपका मुख, ठीक। प्रसाद मतलब प्रसन्नता और सदनम मतलब घर। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है। एक मिनट, हाँ, प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक। और सदनम मतलब क्या होता है? घर, ठीक। मुख प्रसन्नता का घर है, जिसका मुख प्रसन्नता, बच्चों ये हो गया प्रसन्नता, जिसका मुख प्रसन्नता का घर है। सदयम हृदयम सुधामुचो, सदयम हृदयम। अब ये देखिए, सदयम हृदयम, सदयम दया से युक्त, हृदयम मतलब हृदय, और जिसका हृदय दया से युक्त है। सुधा मुचो वाचः, और सुधा, सुधा मतलब अमृत। उवाच, वाच मतलब होता है वाणी में, और सुधा मुचो वाचः, उचो मतलब निकलती है, जिसकी वाणी से अमृत निकलती है, अमृत होती है, जिसकी वाणी अमृत है, अमृत के समान है। करणम परोपकरणम, करणम मतलब क्या है? कार्य, ठीक है। और सुधा मतलब समझ गए ना बच्चों, सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब अमृत, और वाच का मतलब वाणी, वाच का मतलब क्या हो गया? वाणी। करणम मतलब कार्य, परोपकार, और जिसका कार्य परोपकारी है, और जिसका कार्य कैसा है? परोपकारी है। ये शाम के शाम न ते वंदाहा, ये शाम के शाम, ये सब जिसके पास है, ये शाम, ये सारी चीज़ें जिसके पास हैं, के शाम न ते वंदा, वो किस प्रकार से, ते मतलब वे, के शाम किस प्रकार से, न ते वंदा, न वंदा किस प्रकार से, वो वंदनीय नहीं है, अर्थात वो विभिन्न प्रकार से वंदनीय, वो हर प्रकार से वंदनीय है, ठीक है। जिसका घर, जिसका जो है, जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, वंदन मतलब मुख, प्रसन्नता प्रसाद मतलब प्रसन्नता, सदनम मतलब घर, जिसका मुख प्रसन्नता का घर है। हृदयम सदयम, जिसका हृदय, जिसका हृदय। अब ये शाम मतलब क्या हो गया? ये शाम से ही तात्पर्य जिसका से है, ठीक है। इसी वजह से हम बार बार जिसका जिसका लगा रहे हैं। ये शाम सदयम हृदय, हृदयम जिसका, ये शाम हृदयम सदयम, जिसका हृदय दया से युक्त है। और ये शाम वाचा सुधा मुचो, और जिसकी वाणी से अमृत बरसता हो, अमृत निकलता हो, ऊँचो मतलब अमृत निकलता हो, कहता हो। करणम मतलब कार्य, परोपकरणम जिसका कार्य परोपकार से युक्त है। केशाम ते, केशाम न वंदाह, वो भी किस प्रकार से वंदनी नहीं है, वंदनी नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो हर प्रकार से वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, नमस्कार करने योग्य होता है,
ठीक है ना। चलिए अब हम इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वदनम वदनम, फिर अंत में वंदा, ठीक है, उस श्लोक का पहला शब्द और अंतिम शब्द। फिर संदर्भ बार बार लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है, यही संदर्भ, वो संदर्भ आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे पूर्ववत लिख दिया है, लेकिन आप पूर्ववत नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, और आप जितना लिखेंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, ठीक है, वदनम प्रसाद सदनम, जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, हृदय दया से पूर्ण है, और हृदय दया से पूर्ण है, ठीक, और कार्य परोपकार से युक्त है। और एक चीज़ तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ है, यहाँ पे आप इसका अर्थ लिखिए, हृदय दया से पूर्ण है, और सुधा मुचो वाचः, जिसकी वाणी, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जिसकी वाणी, देखिए बच्चों भूल गए, यहाँ पे इसका अर्थ एक शब्द का अर्थ, सुधा मुचो वाचः, जिसकी वाणी वाणी अमृत यु, वाणी से अमृत, जिसकी वाणी से अमृत बरसता है या अमृत निकलता है, ठीक है, निकलता है। देखिए इसका पेन अच्छा ना होने के कारण ऐसे लिखा रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हम मुँह से बोल भी रहे हैं, जिसकी वाणी से अमृत निकलता है, ठीक, यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पे। और करणम परोपकरणम, कार्य, जिसका कार्य परोपकार से युक्त है, वे किस प्रकार से वंदनीय नहीं है, अर्थात वे, देखिए यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ आपसे, कि वे हर प्रकार से, बिहार के स्थान पर लिखिए हर प्रकार से वंदनीय है, ठीक है, इसमें बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अभी क्या है, देखिए सत्येन, सत्य से, अपने हमने आपको, आप देखे हैं लोभात क्रोध प्रभवती, लोभात, अब जब लोभात लिखा था बच्चों, लो भात, अब ये ध्यान दीजिएगा, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, जब ये त आता है ना लास्ट में, हैं, तो वो उससे लिया गया है, पुरुष, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में, दोनों एक लगभग एक होते हैं, ठीक है, बस नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष और सॉरी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, और बाकी सारे पुल्लिंग से मिले होते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये लोभात, इसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक थी, हमने बताया थी आपको, अब ये देखिए क्या है, सत्येन, सत्येन, अब ये क्या आ गया, एन, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एन हो रहा है ना, एन सत्येन, और हमने आपको बताया था जहाँ पे एन का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ उच्चारण होता है, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति। अब हमने आपको लोभात से इसकी तुलना क्योंकि भाई, हाँ, इसलिए की है क्योंकि लोभात यानी पंचमी विभक्ति और सत्येन यानी तृतीय विभक्ति दोनों की चिन्ह से होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, लोभात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक और सत्येन में तृतीय विभक्ति करण कारक, तो पंच अपादान और करण दोनों में से लगते हैं, अंतर होता है अपादान में अलग होने के अर्थ में, और तृतीया जो है उसमें जब से लगता है तो वो अलग होने के अर्थ में नहीं होता है, से या द्वारा होता है वो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस,
अब यहाँ पे क्या है, सत्ये निरक्ष्यते धर्मो, सत्य से, देखिए यहाँ भी आ रहा है से, हमने बोला ना सत्य से, तो क्या हो गया भाई, सत्येन, सत्य से रक्ष्यते, रक्ष्यते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या योगेन रक्ष्यते, और विद्या से योग की रक्षा होती है, ठीक है ना। मृजया रक्षते रूपम, मृजया का सही अर्थ जानते हैं क्या होता है बच्चों, मांझना, धोना, हाँ, लेकिन यहाँ पे मृजया का अर्थ क्या लेंगे, स्वच्छता से, किससे लेंगे बच्चों, स्वच्छता से, इसको बोलते हैं स्वच्छता। रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल, कुलम वृत्तेन रक्षते, अब ये देखिए वृत्तेन और वृत्तेन यानी स्वभाव से कुल की रक्षा होती है, वृत्तेन मतलब स्वभाव से, ठीक है, किसकी रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है, कुल मतलब परिवार की, कुल मतलब परिवार, परिवार की रक्षा होती है, और वृत्तेन का मतलब होता है स्वभाव, ठीक, ये नीति भरे वचन है और वाकई ये सब बात सार्थक भी होती है, इसीलिए तो ये अर्थ से पूर्ण होते हैं, ये सारे श्लोक जो हैं वो अर्थ से पूर्ण होते हैं, बहुत अर्थ लिए हुए होते हैं। चलिए अब हम इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, सत्येन, सत्येन उस श्लोक का पहला शब्द और फिर डॉट 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 करके अंतिम वाला शब्द लिख देंगे, फिर संदर्भ आपका वैसे ही रहेगा जैसे हमने आपको बताया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूषम के स्फुट पद्यानी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है या लिया गया है। अब ये देखिए क्या है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सही है बात ना, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, गलत, बिल्कुल गलत, विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये गलत है, योगेन तृतीय विभक्ति किस में लगी है, योग में लगी है ना, तृतीय विभक्ति किस में लगी है बच्चों, योग में लगी है, योग में, तो योग से, योग से, योग से विद्या रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से, यहाँ वृत्तेन मतलब स्वभाव, सदाचार, ठीक, तो यहाँ वृत्तेन का तात्पर्य क्या है, सदाचार, सदाचार से परिवार की रक्षा होती है, ठीक है। तो ये आपके श्लोक समाप्त होता है, ठीक, यहीं पे आपकी स्फुट पद्यानी चैप्टर ख़त्म होता है, उसकी व्याख्या ख़त्म होती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके अभ्यास आएंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, जो आपसे संबंधित है उसको हम, अभ्यास से संबंधित है उसे हम लोग करेंगे। और यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अब जो है इसके आगे की वीडियोस जो आपके अभ्यास होंगे वो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।